आज बहुत ही एक शुभ कार्य राजनीति के हाथों से होने जा रहा है। डॉक्टर अश्विनी मोदी द्वारा लिखित बुक मोर देन स्किन डिप का आज विमोचन होगा राजनीति के हाथों में। एक बार जोरदार तालियों से राजनीति और डॉक्टर अश्विनी मोदी का स्वागत करेंगे। मैं राजनीति से आग्रह करूंगा कि बुक के बारे में दो शब्द। नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आज मां शाकंभरी का 25वां प्राकट्य दिवस, ढेर सारी बधाई आप सभी को और साथ ही साथ कन्या परिवार को, ढेर सारी बधाई इस शुभ दिन की। कन्या परिवार, समाज में एक जाना पहचाना नाम जो समाज सेवा के लिए आज समाज में जाना जाता है, चाहे वो सेवा तन से हो, मन से हो या धन से हो। और अनिल जी से थोड़ा करीबी रिश्ता है, तो मैं जितना इन्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ, इनका स्वभाव कैसा है, यदि आप लोग सहमत होंगे तो तालियों द्वारा आपको अपनी सहमति बोलने दीजिए। हमने कहा सहमत होंगे तो तालियों द्वारा अपनी सहमति जताइएगा। मुझे पता है आप माँ शाकंभरी के दर्शन कर रहे थे और मंत्रमुग्ध थे एकदम से, और बीच में अनिल भाई ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यदि आप सहमत होंगे तो तालियों से अपनी सहमति जताएंगे। इनका स्वभाव अनिल जी का कैसा है कि फोन पर यदि कोई संदेश आ गया, इनके पास मैसेज आ गया कि कोई अस्वस्थ है, चाहे वो फिर तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, यहाँ फोन का मैसेज आता है और यहाँ शुरू हो जाता है कि मैं सामने वाले की किस तरह मदद कर सकता हूँ, और उसी में वो लग जाते हैं। यदि सहमत है तो अब तालियां बजानी होगी आपको। मुझे लगता है आप लोग वो नृत्य नाटिका देख के ताली बजा बजा के इतना थक गए कि अभी वॉल्यूम आपका कम है। वो भाई बारंबार आप सभी से कह रहे थे कि ताली बजाओ, ताली बजाओ। उस वक्त हो सकता है कि वो जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे उनके लिए कहा जा रहा हो कि ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाएं। हम तो आपके खुद के लिए ताली बजा रहे हैं, इसलिए कि शास्त्र कहता है कि सत्संग में जब आप बैठकर ताली बजाते हैं तो इस हाथ में सुख और दुख दोनों रेखाएं हैं, और दुख दब जाता है, सुख उभर जाता है। अभी आपकी चॉइस है कि ताली बजाना है। हाँ, पुस्तक विमोचन के पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कैसे कोई व्यक्ति एक साधारण से एक असाधारण की कैटेगरी में खड़ा हो सकता है छोटा सा परिवर्तन करके। एक परिचिता ने अनिल जी की बिटिया से बातचीत की, मतलब उन लोग का फोन पर बातचीत चल ही रही थी कि परिचिता ने उनकी बिटिया से कहा कि मुझे एक टेबल फैन की जरूरत है, वो कहाँ से लूं और कैसे खरीदूं। बिटिया का कहना था और साथ में उस परिचिता का कहना था कि मुझे पता नहीं मैं खरीदने के बाद उसका प्रयोग करने वाली भी हूं या नहीं करूंगी। झट इनकी बिटिया कृतिका ने कहा, जिसे हम प्यार से गुड्डी कहते हैं,
कि आंटी आप लेकर मत आओ, हमारे पास पंखा है, मैं आपको भिजवा दूंगी, टेबल फैन है, मैं भिजवा दूंगी। हो सकता है उस बिटिया ने अंदर से निकलवा के साफ करके सामने गेट के पास रखा कि जो ही ड्राइवर आएगा उसको पंखा थमाएंगे और सामने परिचिता के यहाँ भिजवा देंगे। थोड़ी सी देर में अनिल जी का वहाँ पर हॉल में आना हुआ और पूछा, बेटी से क्या रखा हुआ है? जवाब था बिटिया का, पंखा है, टेबल फैन है और फलाने के यहाँ भिजवाना है मुझे। सबसे पहले इसको साफ करो, आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोला सफाई करो इसकी अच्छे से। बोली पापा साफ कर दिया है, फिर भी अच्छे से एक बार देख करो, चेक कर लो, साफ करो और 2 घंटे तक इस फैन को चालू रखना। यदि 2 घंटे तक ये फैन चालू रहता है तो ही सामने वाले के यहाँ पर भेजना, नहीं तो मत भेजना। इसमें खासियत आपने देखी कि यदि और कोई भी होता, फैन साफ किया, एक बार प्लग में डाला, थोड़ा उच्च स्थिति का होता तो प्लग डाला, ऑन किया, चालू हो रहा है, बंद किया, भेज दिया। पर 2 घंटे तक इसको ऑन रखना और यदि ठीक से चला तो इस सामने वाले के पास भेजना, ये क्वालिटी साधारण से असाधारण की ओर व्यक्ति को ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब आते हैं पुस्तक विमोचन पर। मुझे मैं कहूँ बहुत खुशी हो रही है और मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि एक बहू द्वारा लिखित पुस्तक एक सासू माँ विमोचन करने जा रही है। ये सुखद संयोग ही होगा ना, देखिए। आइए डॉक्टर अश्विनी। डॉक्टर अश्विनी मोदी मांजरे, आजकल दोनों सरनेम लगाने की मुझे लगता है प्रथा चल पड़ी है, तो यहाँ पर मोदी है, वहाँ पर मांजरे थी। ये स्किन स्पेशलिस्ट है। यदि मेरे दौर की कई महिलाएं यहाँ पर होगी तो उन दिनों एक संवाद बहुत प्रचलित था और आज भी मुझे लगता है उतना ही असरकारक है, वो ये कि अरे आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। एम आई राइट? है ना? हाँ। और आजकल स्किन के पीछे हम सभी इतने दीवाने हैं कि कैसे इसे स्वस्थ करें और रखें ताकि आजीवन यंग नजर आते रहें। तो डॉक्टर अश्विनी मोदी, जो कि पिछले 15-17 सालों से ये स्किन स्पेशलिस्ट है, इसके पास 3-3 गोल्ड मेडल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में इसने पढ़ाई की है, तो पिछले 17-18 सालों में जो इसने पेशेंट्स को देखा, जो मेहनत की, जो त्याग किया, जो अनुभव बटोरा, आत्मचिंतन किया और उस जो सार निकाला, वो सारा की सारा इस पुस्तक में विस्तार से दिया गया है। और इतनी छोटी छोटी आपको साधारण सी लगने वाली बातें, अब देखिए कोई सोच सकता है क्या कि हमारे विचारों का और हमारे शब्दों का भी हमारी स्किन पर असर पड़ता है? आप नकारात्मक विचार रखते हैं, आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सिकुड़ने लगती है, इस पर रिंकल्स आने लगते हैं। इसने रिसर्च द्वारा उस पुस्तक में सारा विस्तार से बताया है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ये भी कॉम्प्लीमेंट आपको मिले कि अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो मैं कहूँगी इस पुस्तक को पढ़ें, इसे आत्मसात करें और ये सुन भी लीजिए। हाँ, हाँ, इस पुस्तक के विमोचन में, इस पुस्तक के आज विमोचन के लिए विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल जी आपका। मैं स्टेज पर आइए, क्योंकि 7-8 दिन पहले ऐसे ही भाव आया कि इसने पुस्तक तो कंप्लीट कर ली है पर अभी छपनी बाकी है, पुस्तक का रूप बनना बाकी है, तो इस दिन विमोचन करते हैं माँ शाकंभरी माई के दरबार में, पर वो संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि छप कर पुस्तक नहीं आ रही थी।
अनिल जी ने कहा एक ही बुक छपाओ कम से कम, पर आज ही करना है। और देखिए ये इनका विश्वास था जो आज ये पुस्तक हमारे सामने। आइए ना अनिल जी आइए। हाँ, जिनको जिनको अपने स्किन तरोताजा निखरी निखरी चाहिए है, वो राम राम एक किस मणकों से हमारा साथ देंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। ढेर सारी बधाई डॉक्टर अश्विनी मोदी मांसरे, दोनों परिवारों का मान बढ़ाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया और जमाई कहियाँ परिवार का, जिन्होंने इतना बड़ा मंच दिया पुस्तक के विमोचन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ढेर सारा आशीर्वाद। नारायण नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण नारायण।